नमस्कार दोस्तों, डीके थ्री होम डिज़ाइन में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मेरा नाम डीके लोनकर है और मैं आपके लिए नए नए प्लान्स, नए नए डिज़ाइंस और उसी के साथ साथ में होम डिज़ाइन के बारे में लगभग हर तरह की जानकारी इस चैनल पर लाने की कोशिश करता हूँ। मैं एक छोटा सा वीडियो बना लूँ और ये जो वीडियो है इसमें मैं आपको जो वेंटिलेशन, जो वेंटिलेटर्स रहते हैं या इसे हम रोशनदान भी कहते हैं, उनके बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। वो कितने यूज़फुल है और उनकी क्या ज़रूरत है ये भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो देखिए, अभी तो गर्मी के दिन है, लेकिन अगर आपके रूम को एक ही विंडो है या विंडो नहीं है तो बहुत ही गर्माहट हो सकती है। लेकिन अगर आपके रूम को एक विंडो है तो भी अगर आपको गर्माहट हो रही है तो इसका एक रीज़न ये हो सकता है कि आपके रूम को वेंटिलेटर्स आपने नहीं दिए। वेंटिलेटर्स मतलब इसे हम रोशनदान भी कहते हैं और ये जो वेंटिलेटर्स जो रहते हैं वो हमारे सीलिंग के नीचे रहते हैं, मतलब सीलिंग के बॉटम लेवल में रहते हैं, जो लगभग 2 फीट बाय 1.5 फीट या 2 फीट बाय 1 फीट का भी हम ले सकते हैं। उसका साइज़ हम कम ज़्यादा कर सकते हैं हमारे हिसाब से। लेकिन वो जो रोशनदान है, वो जो वेंटिलेटर्स है, वो बहुत ही ज़रूरी है अगर आपको रूम को ठंडा रखना है तो। क्योंकि क्या होता है कि ये जो गर्मी के दिन में जो हमारी रूम का जो टेम्परेचर होता है वो ज़्यादा होता है, तो रूम में जो हवा होती है वो गर्म होती है और जो गर्म हवा होती है वो हल्की होती है, तो हल्की होती है तो वो जो है ऊपर उठती है, तो ऊपर उठने की वजह से वो ऊपर चल जाती है और हमारे सीलिंग के लेवल में वो जमा होती है। और उसके बाद में हम अगर फैन चलाते हैं, मतलब हमारा पंखा चलाते हैं, तो वो जो हवा है वो गर्म हवा हमारा फैन नीचे फेंकता है, तो हमें और भी गर्माहट होती है। तो वो जो गर्म हवा है, जो हल्की हवा है, वो उसको बाहर निकालना बहुत ज़रूरी होता है ताकि फ्रेश हवा हमारी विंडो से आ सके। तो वो जो हवा है, अगर हम वेंटिलेटर देते हैं, हम सीलिंग के बॉटम लेवल में अगर हम वेंटिलेटर देते हैं, मतलब रोशनदान देते हैं, तो उससे क्या होता है कि वो जो गर्माहट वाली हवा जो हल्की होती है वो ऊपर उठती है और वो उस रोशनदान से, उस वेंटिलेटर से बाहर निकलती है। अब जैसे ही वो बाहर निकलती है तो उसकी जगह जो है वो दूसरी गर्म हवा, जो नीचे वाली जो गर्म हवा है वो लेती है, और वो जैसे ही बाहर निकलती है तो हमारे जो नीचे विंडो रहती है उससे जो है फ्रेश हवा अंदर खींचती है, तो फ्रेश हवा जो है हमारी अंदर आती है, जो गर्म हवा होती है वो ऊपर उठती है, वेंटिलेटर से बाहर निकलती है, और जो ठंडी हवा है वो हमारी विंडो से अंदर आती है, तो हमारा रूम जो है वो ठंडा रह सकता है। तो हो सके तो 2 विंडोज़ हम हमारे रूम को रखें तो अच्छा रहेगा, ताकि एक विंडो से हवा आए और एक विंडो से पास हो। लेकिन वेंटिलेटर ज़्यादा ज़रूरी है, अगर एक ही विंडो है आपके रूम को तो कोई दिक्कत नहीं है, आप वेंटिलेटर ज़रूर लगाएं, और अगर एक भी विंडो नहीं है तो भी आपको वेंटिलेटर लगाना ज़रूरी है। 2 वेंटिलेटर आप लगा सकते हैं अगर आपके रूम को एक भी विंडो ना हो तो, क्योंकि 2 वेंटिलेटर ज़रूरी है। तो 2 वेंटिलेटर से क्या होता है कि एक वेंटिलेटर से हवा खींची जाएगी और एक वेंटिलेटर से हवा बाहर निकलेगी, तो गर्म हवा बाहर निकलेगी, जैसे ही गर्म हवा बाहर निकलेगी उसकी जगह जो है हमारी फ्रेश हवा ले सकती है, और वो हवा, फ्रेश हवा जो है हमारे विंडो से या दूसरे वेंटिलेटर से आ सकती है। इतना याद रखिए कि आप जब भी रूम बनाएंगे तो उसको वेंटिलेटर ज़रूर दे। अगर आपको रूम को ठंडा रखना है और फ्रेश हवा रखनी है, ताज़ा हवा रखनी है, तो आपको वेंटिलेटर देना बहुत ज़रूरी है। तो बस यही आपको इस वीडियो में बताना चाहता था। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपने जो आपका कीमती समय दिया है उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।